हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में आईएमएफ का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है अचीवमेंट्स ऑफ आईएमएफ। यानी कि स्ट्रक्चर होने के बाद, उनके ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद, आईएमएफ की वर्किंग ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी बनता है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे और आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप उस हिसाब से अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अचीवमेंट ऑफ आईएमएफ, अचीवमेंट्स, फर्स्ट अचीवमेंट, एक्यूमुलेटेड सीजेबल स्टॉक ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स। यानी कि उन्होंने आईएमएफ की वर्किंग ने इतना सारा स्टॉक जमा कर चुका है कि अगर उनकी मेंबर कंट्रीज को चाहिए कोई भी मॉनेटरी फंड तो उसमें से वो लोन ले सकती है। यानी कि उन्होंने अच्छा खासा पैसा जमा करके रखा है जो कि आगे जाके उनको हेल्प करेगा, तो ये एक अचीवमेंट है। फिर आता है सेटअप मल्टीलैटरल ट्रेड पेमेंट सिस्टम। अब बाकी कंट्रीज हैं, आपस में जो ट्रेडिंग होती है तो कंट्रीज की ट्रेडिंग के लिए जो पेमेंट सिस्टम है उसको भी हेल्प करती है कि कैसे करेंसी एक्सचेंज होगी, उसमें भी सेटअप करके रखा है इसने ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेड प्रोसेस को और इजी बनाती है, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड को। सेटअप मल्टीलैटरल ट्रेड पेमेंट सिस्टम। फिर आता है स्टेबिलाइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको पता है चेंज होता रहता है, यानी कि फ्लक्चुएट होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो आईएमएफ का ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेट को जितना हो सके स्टेबल रखा, यानी कि कम करके एक जैसा ही रखा, जो कि एक एडवांटेज है सारी कंट्रीज के लिए, उनकी मेंबर कंट्रीज। फिर आता है प्रिवेंटिंग अननेसेसरी डिवेल्युएशन। डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी, यानी कि करेंसी की वैल्यू कम हो जाना अननेसेसरी, अगर किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो उसको प्रिवेंट किया है किसने, आईएमएफ में। फिर बात करते हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कभी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो अच्छा है, इम्पोर्ट ज्यादा हो जाता है वो, यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट कम, वो भी प्रॉब्लम आईएमएफ सॉल्व करता है, तो ये इसकी एक अचीवमेंट है। फिर एक्टेड एज इंटरनेशनल सेंट्रल। अब हर एक कंट्री की बैंक होती है, जैसे कि इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वैसे ही इसने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इंटरनेशनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे काम किया है, सारी बैंक्स को, सारी कंट्रीज को अलग अलग असिस्टेंस प्रोवाइड की है, जैसे कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी इंडिया की बैंक्स को प्रोवाइड करता है। फिर बात करेंगे सिक्योर द एडवांटेज ऑफ गोल्ड, गोल्ड के जो स्टैंडर्ड है उसको बचा के रखा है, तो ये भी एक इसकी अचीवमेंट है। फिर आता है कंट्रीज वर्क, इसमें कंट्रीज की जो इंटरनल वर्किंग है उस पर कोई इंटरफेरेंस आईएमएफ नहीं करती है, हर कोई कंट्री अपने अपने इंडिपेंडेंस के हिसाब से काम करती है, तो ये सारी जो है अचीवमेंट्स है मिली है आईएमएफ को। तो 8 अचीवमेंट्स मैंने बताई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।